Morning, students. आज हम आपको स्वसंधि में यण संधि पढ़ाएंगे। यण संधि का सबसे पहले हम नियम समझते हैं। इसका नियम या परिभाषा है, यदि रेशो अथवा ई ई छोटी अथवा बड़ी, छोटा अथवा बड़ा हो, री और ने के बाद कोई असमान स्वर आए, कहने का तात्पर्य यह है कि ई के बाद ई ना आए, ऊ के बाद ऊ ना आए और री के बाद री ना आए, री के बाद ने ना आए, तो संधि करने पर ई का या हो जाता है। अर्थात जब हम दोनों पदों में, दोनों शब्दों में संधि करेंगे तो ई का या हो जाएगा, ऊ का वा हो जाएगा, री का रा और रे का ला हो जाएगा। अब समझ लीजिए इसको कि पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में जो स्वर होते हैं उनमें संधि होती है हमेशा। तो इस संधि में नियम यह है कि पहले शब्द के अंत में यदि ई छोटी या बड़ी की या इनकी मात्रा आती है तो ई का या हो जाता है। जैसे अभी हम इसमें देख रहे हैं गति धन अवरोध, गति में छोटी ई की मात्रा है और उसके सामने छोटा आ है, यानी भिन्न स्वर है, असमान स्वर है, ई के सामने ई नहीं है, तो ये छोटी ई की मात्रा जो है इसका या हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा का या हो जाएगा। इसको देखिए ये निकटतम स्वर यही है दोनों, छोटी और छोटा, इन्हीं दोनों में संधि होगी। तो हमने गा में तो संधि होगी नहीं, इसलिए उनका कारण किया। अब ये छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा यहाँ या बन जाती है, तो ये या बन गया। अब जब इस ता व्यंजन है, इस ता में छोटी ई की मात्रा का छोटी ई स्वर मिला हुआ है, तभी हम इसका उच्चारण करने में सफल है कि जब हमने इसमें से छोटी ई निकाली, छोटी ई निकालकर उसका या बना दिया, उसका या बन गया। इसका नियम यह है संधि का कि छोटी ई या बड़ी ई होगी तो उसका या बन जाएगा। तो यह छोटी ई का हमने जब या बनाया, अब यह ता में से छोटी ई स्वर निकल जाने के कारण ता आधा हो गया, जब आधा हो गया तो ता ऐसा हो गया, यहाँ पर ता आधा लग जाएगा। अब ये आ है, ये छोटा आ है, ये या में मिल जाएगा, ई का हमने या बनाया है, इसमें जब हम छोटे आ को मिला देंगे तो ये आ या जो है पूरा हो जाएगा गत्य, और ये वरोध पूरा, क्योंकि इनमें तो संधि होती नहीं है। तो यहां पर हमने देखा कि छोटी ई का या बन गया, और जब जिस व्यंजन से हमने छोटी ई को निकाला है वो आधा हो गया, क्योंकि उसमें से स्वर निकल जाता है। व्यंजन हमेशा जो व्यंजन का मूल रूप होता है वो आधा होता है, देखिए काम है ये ऐसा होगा। तो अगर हम इसमें ये स्वर नहीं मिलाएंगे तो हम इसको उसका पूरा उच्चारण स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जब हम इसमें आ मिलाते हैं तब ये क होता है, या क में हमने ई मिला दी, अभी अगर देखेंगे क में हमने ई मिला दी तो तब ये बोलने के लायक हुआ और इसका उच्चारण होगा कि। तो यहाँ गति भी इसी स्थिति में है, गति ता व्यंजन में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और जब हमने इससे छोटी ई का स्वर निकाल लिया तो ये आधा हो गया, ये ऐसा हो गया। तो जब ये ऐसा हो गया तो हम जब भी लिखते हैं आधे का को या कोई भी आधा बड़ा लिखते हैं तो वो दूसरे
गया वो हो गया गत्यवरूप। अब हमने अभी छोटी की मात्रा देखी थी, अब हम बड़ी की मात्रा देखेंगे। बड़ी भी यह बन जाती है सुधी, बड़ी की मात्रा है और उपास इसके भिन्न स्वर है। ई का भिन्न स्वर है, ई का समान स्वर नहीं है वो, इसलिए यहाँ बन गई या संधि होगी। तो लिखा हमने अब सुधी, सुधी में से हमने ई की मात्रा निकाल ली तो धा हो गया आधा। सुधी में से हमने ई की मात्रा निकाली तो धा आधा हो गया और ई की मात्रा क्या बन जाएगी, बड़ी का या बनता है तो बड़ी की मात्रा या बन गई। तो ये हो गया शुद्ध। अब दो निकटतम स्वरों में ही संधि होती है, तो निकटतम ई और उ में, तो ई का या बन गया। अब हम उसमें उ जोड़ेंगे, उ और ई में जब संधि होगी तो ये उ की उ जो है वो मात्रा के रूप में या और उपास्य का शेष भाग जो है पास्य वो इसमें जुड़ जाएगा, तो सुध्यु पास्य हो गया, यानी बड़ी ई या बन गई और उ की मात्रा उस या में लग गई, था आधा हो गया। यही विकार है, यही ऋण संधि। अब ये देख लीजिए छोटी की मात्रा है, तो की छोटी की मात्रा या बन जाएगी, ता आधा हो जाएगा। अब आ इस या में मिल जाएगा तो या विड्रॉ हो जाएगा और ये बड़ी की मात्रा है, इसको भी हम दिखा रहे हैं बड़ी की और बड़ी की आगे बड़ा आ। अभी आपने छोटा आ देखा, वो देखा छोटा आ देखा, अब बड़ा आ और बड़ी ये संधि वा में से हमने जब बड़ी की मात्रा निकाली तो वा हो गया आधा और बड़ी या हो गई। अब ये आज्ञा का आ जो है वो या में समाहित हो गया, या में मिलेगा संधि हो गई इसकी, तो ये बड़े आपकी मात्रा के रूप में या में लग जाएगा और या जैसे का तैसा रहेगा, तो उसे हो गया देख दिया गया। अब हम ई और ए में संधि करते हैं, ये दो भिन्न स्वर है असमान स्वर है। इसमें भी आप देखिए ई ऐसी है, अब ये छोटी ई की मात्रा है, इसको हम ता में से निकालेंगे या बनाने के लिए, तो ता हो गया आधा, छोटी की मात्रा या बन गई, ठीक ये इसका हो गया। अब ये एवं इन दोनों में जो छोटी ई और ए में संधि होगी, छोटी का या बन गया और ए जो है वो या में मिल जाएगा मात्रा के रूप में, यही संधि मात्रा के रूप में मिल गया, तो ये हो गया एवं। अब हम आपको इसका संधि विच्छेद भी एक बार समझा देते हैं। पहले या वाला ही करें, ई का या वो आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। एक शब्द है अभ्यर्थी, अब इसका आपको संधि विच्छेद करना है कि अभ्यर्थी का संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यह संधि है। यह संधि की सबसे बड़ी पहचान होती है देखिए कि या और व, इन दोनों पर यदि कोई आधा अक्षर लगा हुआ है, कोई भी आधा अक्षर पर या और व में, तो वहां पर ऋण संधि होती है। मैं केवल आपको या और वा समझाऊंगी, है या पर आधा अक्षर है और वा पर आधा अक्षर है, वहां पर ऋण संधि होगी। और विच्छेद करते समय इतना है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर या है, तो या पर आधा हाथ है, यानी यहाँ पर ऋण संधि है, और हम इस या से ही यहाँ संधि का विच्छेद करेंगे। जब संधि तोड़ेंगे तो या से ही टूटेगी, और या टूटी
भाग हमने लिखा आधा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये या शुरू कर क्या बन जाएगा, ये आप या जब तोड़ेंगे संधि तो ये या अपने पूर्ण रूप में आएगा, पहले वाले रूप में आएगा, यानी छोटी की मात्रा बन जाएगी। या छोटी की मात्रा बन गया, और या में या छोटी की मात्रा बन गया, तो या में जो ये छोटा आ लगा हुआ था, छोटा आ समाहित था उसमें, तो वो छोटा आ हो जाएगा, क्योंकि हम संधि विच्छेद कर रहे हैं। विच्छेद करना माने अलग अलग करना, तो यहाँ पर अब छोटा हमारा वापस आ जाएगा, अर्थी अर्थी माने चांदी वाला, ठीक है। तो अभ्यर्थी यानी हम तोड़ेंगे कहाँ से संधि को, संधि विच्छेद कहाँ से करेंगे, जहाँ पर या होगा और आधा अक्षर होगा, ये पहचान है कि या पर आधा अक्षर होता है। जैसे शब्द आज्ञान, ये नाम हो जाएगा आ। उ की मात्रा
वावन में। अब इन दोनों में संधि होगी तो ये एक उनकी मात्रा जो कि व बन गई, एक ही मात्रा वापस लग जाएगी संधि करने पर। इसी की तरह हमने ना आधा हो गया, उनकी मात्रा निकाली, उनकी मात्रा को हमने व बना दिया। अब इसमें व में छोटी की मात्रा लगेगी, छोटी की मात्रा जब इसमें व में लग जाएगी तो ये पंक्ति जैसे करता है तो ये हो जाएगा अनुवृत्ति। इसी प्रकार ये है ल घा में से उसकी मात्रा निकाल के हमने वा बना दिया तो घा हो गया आहा, और इसमें बड़े आ की मात्रा लग गई और ये गाय कैसे लगवा। तो ये दोनों अब इसको हम जो शब्द होते हैं उनको तोल करके भी बताएंगे हम आपको। जैसे है ज्यादा आधा या है और या है और
उस पर कोई आधार वाल और उस पर कोई आधार तो हमें विच्छेद भी यही से करना है क्योंकि संधि करने पर संधि यही होती है और विच्छेद भी यही होगा। यहाँ से हम संधि करते हैं शब्द में विच्छेद भी हम वहीं से करते हैं। तो यहाँ पर और हमें करना बहुत सरल सा है कि इस या को हमें जो आधार अक्षर उसके पहले है उसमें ई की मात्रा बना के लगा देना है। वा को ऊ की मात्रा बना देना है। यह हो गया संधि करने पर यही ऐसा हो जाएगा। इसकी संधि करेंगे बस इतना है और सामने जो स्वर है वो इसमें मिला दिया जाता है। ए की मात्रा है तो इसमें ए लग जाएगा, ऊ की मात्रा है तो ऊ लग जाएगा। तो इस तरह से आपने ये देखा कि किस प्रकार से ऊ का वा और ए का या हो जाता है। आप लोग एक बार अपनी बुक में देख लीजिए। आप देखिए आप अभी आपने ई का या और उ का वा इतनी बड़ी चीज समझी। अब री का रा आपको हम बताते हैं री जो है वो स्वर है। री स्वर है और री की मात्रा किस प्रकार से देखिए आ स्वर है आ की मात्रा ऐसे लगती है। ई स्वर है ई की मात्रा ऐसे लगती है। बड़ी ई स्वर है इसकी मात्रा ऐसे लगती है। आप जानते हैं ऊ है ऊ की ऐसे लगती है। दीर्घ ऊ की ऐसे तो इस तरह ये स्वर है। इसी प्रकार से री की मात्रा जो है ऐसे आप देखेंगे हम री की मात्रा के री का रा हो जाता है और री का ला हो जाता है। तो री ये री है ये री की मात्रा है ये री की मात्रा है। ये री की मात्राएं है। सामने कोई असमान स्वर आए असमान नहीं सामने री ना इसके अलावा कुछ नहीं तो इसका उच्चारण हम करेंगे पितृ। तो री का रा हो जाता है ये आप देख रहे हैं। अब यहां पर आज्ञा तो पितृ धन आ गया तो ये री री है ये रा बन जाएगी। जब ये रा बन गई तो ता जो है वो आधा हो जाएगा ता है आधा हो गया ठीक। री रा बन गई रा की मात्रा हम कैसे लगाते हैं कहीं पर रा रेख के रूप में लगता है और कहीं पर रा ऐसे लगता है तो पितृ में रा ऐसे भी लगेगा। जब ता में रा लगता है तो मोस्टली ऐसे लगता है तो इसमें ये जो है री जो है वो रा हो गया ता रा हो गया। अब पर्याय की मात्रा पित्रा गया हो गया इसी प्रकार मातृ धन आदेश इसमें देखेंगे हम ये क्या बन जाएगा ये जो है ना ये पूरा आप ये समझ लीजिए कि ये क्या बन जाएगा। अब आ जो है वो दीर्घा मात्रा के रूप में लग गया मात्रा देश
गया अनुमति, ये अलग ऐसा होता है अनुमति, इसमें बड़ा छोटा समाहित हो गया। तो रात्रि रात्रानुमति, धात्री धन आदेश, धा ये तात्रा बन जाएगा आदेश, धात्रा आदेश, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, पहचान ये है जहां त्रा है वहीं से हमको इसका विच्छेद करना है, और जो त्रा में रा लगा हुआ है अब देखिए इसका विच्छेद भी हम देते हैं, यही से हमें विच्छेद करना है। तो त्रा है ये भी, रा जो है री बन गया और ता इसमें लगा हुआ था तो पित्री हो गया। अब ये चूंकि दीर्घ आ की मात्रा है तो दीर्घ आ का हम पहले जैसे रूप में आए हैं विच्छेद कर रहे हैं और आ गया और क्या मिलेगा। इसी प्रकार मात्रा, मात्रा देश यात्रा है तो हम यही से को विच्छेद करेंगे, मात्रा जो है वो त्री बन गया, ठीक है। रा री बन गया था मेरे पर आ गया, इसमें बड़े बड़े आ की मात्रा लगी है तो हम बड़े आ की मात्रा को तो बड़ा आ यानी दीर्घ आ बना देंगे, ये हो गया मात्रा। इसी प्रकार रात्रि रात्र अनुमति है, माने रात्रि माने भाई, रात्रि माने भाई, तो ये जो त्रा है ये त्रि बन जाएगा, रानी बना होता पहले जैसा आता है, अब यहाँ पर इसके छोटा मिला हुआ है तो ये अनुमति। ये धात्रा देश धा त्रा जो है वो त्रि बन जाएगा, तामेरी की मात्रा और आदेश। क्रिया देखा, अब हम आते हैं ली का लाभ हो जाता है, तो इसमें आप देखेंगे ली धन आकार, ली धन आकृति। अब इसको हम संधि करेंगे तो ली का लाभ हो जाता है, अब इसमें देखेंगे हम लाभ हो गया, लाभ अब इसमें आकार हमने जोड़ दिया, तो जब ऋण का लाभ हुआ तो हम इसमें क्या करेंगे तो जोड़ेंगे दीर्घ आ, तो ये दीर्घ आ की मात्रा लग जाएगी और ये जैसे का पैसा लिखेंगे लाभ का। अब हमने यहाँ पर पूरा हम वहीं से संधि विच्छेद करेंगे, ला जो है संधि विच्छेद करने पर भी देख लिया ला जो है वो ली बन जाएगा और ला की जो मात्रा है वो अपने जैसे के तैसे रूप में आ जाएगी, तो ये ला का आराम हो जाएगा। इसी प्रकार ली और आकृति है, तो ली का हम ला बना देंगे आधा ला, इसमें दीर्घ आ जोड़ेंगे तो ये दीर्घ ला हो गया और ये कृति जैसे रहता है। अब करते समय हम देखेंगे ये ला कृति शब्द है, ला कृति में ला का लिंग हो जाता है संधि विच्छेद करने पर, और अब इसमें जो मात्रा है उसको हम
अपने पहले वाले रूप में ले आएंगे यानी देह का भाव बना देंगे प्रति। तो ये सभी विच्छेद हो गया है लाकृति का। अब आप एक बार फिर से नियम समझ लीजिए। यदि हृदय अथवा दीर्घ, हृदय में छोटी दीर्घ माने पर के बाद कोई असमान स्वर आए तो संधि करने पर यानी दोनों को जोड़ने पर ई का या ऊ का वा री का रा और री का रा हो जाता है। जैसे अभी आपने देखा था कि एक शब्द है अध्यक्ष, तो अधि समझिएगा और अगर समझ में नहीं आए तो फिर आप पूछिए।